चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम की 2023 की तैयारी कैसे करें, मतलब 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें टॉपर की तैयारी हमें कैसे करनी है, कौन कौन प्लानिंग के अनुसार चलना है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। और देखिए, आज की जो प्लानिंग है ना, 100% बता रहा हूँ आपको, टॉपर बनाएगी 2023 में। अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, वो बिहार से लेकर यूपी से लेकर आरबीएससी से लेकर एमपी से लेकर यूके से लेकर झारखंड से लेकर किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं ना बाबू, तो ये वीडियो आपके लिए 100% लाभदायक और कारगर सिद्ध होने वाला है। ध्यान से देखिएगा 2023 में बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करना है। देखो, सबसे पहली बात आपको समझना क्या होगा, अपने सिलेबस को समझो। सिलेबस का मतलब क्या होगा, अपने पैटर्न को समझ लेना, अपने किताबों को समझ लेना कि आपके किताब में कितना चैप्टर्स है, कितना चैप्टर से कौन कौन प्रश्न पूछता है, हमारे चैप्टर से कौन हार्ड क्वेश्चन है, कौन सिंपल प्रश्न करता है, ये सब चीज़ पर आपको पहले रिसर्च कर लेना होगा पूरी तरह से। पहले अपने सिलेबस को समझो कि आपके किताब में कितने चैप्टर्स है, कौन कौन सिलेबस है, कौन कौन सिलेबस से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है, कौन कौन सा ज्यादा प्रश्न पूछा है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आप स्मार्ट प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि प्लान करिए कि 6 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में मैं अपना इतना सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये प्लानिंग जरूरी है और इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। देखो, मान लो आपके एग्जाम का 6 महीना बचा हुआ, मान के चलिए, तो आप कोशिश करिए 4 महीने के अंदर में आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाए। अपने सिलेबस को आप 4 महीने के अंदर में खत्म कर दीजिए और 2 महीना जो आपका बचा है इसमें सिर्फ रिवीजन याद रखना। एक टॉपर विद्यार्थी सिर्फ रिवीजन पर फोकस करता है, रिवीजन आपका राइटिंग भी बनाता है, आपके प्रश्नों को दिमाग में बैठाने का भी काम करता है, आपकी राइटिंग स्पीड भी मेंटेन होती है। 3 से 4 काम अकेले कौन करता है, रिवीजन करता है। तो समझने वाली बात आ रही है कि स्मार्ट प्लानिंग, एक प्लानिंग होना चाहिए कि इतने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगी। और दूसरी, टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम को मैनेज करना सीखिए कि एक क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट में बनाना है, 3 मिनट में बनाना है, 4 मिनट में बनाना है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बनाने में आधा घंटा 1 घंटा लगा दीजिए, ये आपको नहीं करना है। और चौथी बात है, पिछले सालों के पेपर को पढ़ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, आज से 5 साल पहले, मान लीजिए अगर 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं बाबू, तो 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, मतलब अभी से लेकर 5 साल पहले तक के पेपर को आप सॉल्व करिए, 70-80% आपका क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा। या देखिए, प्रीवियस ईयर मॉडल से जो होता है ना, एग्जाम में आपके प्रश्नों को लड़ाने का 100% गारंटी लेकर चलते हैं। कई बार लड़ भी चुका है तो 50-70% क्वेश्चन, यानी 50-70% क्वेश्चन जो है ना, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से लड़ जाते हैं। तो आप अभी से लेकर 2023 के ठीक पीछे 5 साल तक आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उसको हल करना है। चौथी बात है, पढ़ने का एक टाइम टेबल अपना तैयार कर ले कि मुझे इतना बजे ये सिलेबस पढ़ना है, मुझे इतना बजे ये पढ़ना, मुझे इतना बजे ये पढ़ना, मुझे इतना बजे ये पढ़ना, मुझे इतना बजे ये करना है, मुझे इतना बजे घूमने जाना, सब चीज का एक टाइम टेबल होना चाहिए। और जो आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, उस टाइम टेबल, उस रूटीन को आपको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, आज रूटीन बनाए कि सुबह में 3 घंटा पढ़ेंगे, शाम को 2 घंटा पढ़ेंगे, दोपहरिया में 1.5 घंटा टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, इतना रूटीन बना लिए। आज देख रहे हैं कि दोपहरिया में बेचारा सोया हुआ, देख रहे हैं कि बेचारा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रूटीन बनाया पढ़ने का, उठ रहे 8 बजे, आज शाम को 9-10 बजे तक फिल्म देख रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी फ्री फायर खेल रहा है, टिकटॉक वीडियो बना रहा है, बकलोल का ही काम होता है। कभी इससे टॉपर नहीं बन पाओगे, याद रखना। टॉपर बनना है तो जो रूटीन बनाए हो ना, उसको सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। मैंने जो रूटीन बनाई है उसके प्रति आपको अलर्ट होना होगा ना, अलर्ट, अलर्ट का मतलब हो गया आपको सजग रहना पड़ेगा। अगर 4 से 7 बजे सुबह में पढ़ने का टाइम है तो उसके बीच में कोई और काम कर नहीं सकते, ये टॉपर विद्यार्थी की निशानी होती है। आज जो बकलोलवा होता है रोज रूटीन चेंज करेगा, आज रूटीन बनाए बोले बिहान दूसरा रूटीन बनेगा, इस पर सकान मुझे नहीं हो रहा, ऐसे बोलेगा। कभी लाइफ में आगे बढ़ना तो आलस्य से दूर रहो। और देखो, आलस्य सबसे ज्यादा मैदे से बनी जो खाना आप लोग खाते हैं, फास्ट फूड, ऐसा चीज नहीं खानी चाहिए, मैदे से बनी चीजों को ज्यादा नहीं खाइए, क्योंकि ये आलस्य आपके अंदर ज्यादा लाने का काम करती है। तो ये काम कभी नहीं करे, जो टाइम टेबल बनाया उसको क्या करना, सख्ती से अनुशासित होकर फॉलो करना है। और छठी बात है, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़े। सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब क्या कि आपका सिलेबस में जितना सब्जेक्ट है, जितना आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में देखो
हर सिलेबस में देखो समझो कि कितना कहाँ चैप्टर से कौना सब्जेक्ट से कितना नंबर प्रश्न आता है। कोई बच्चे को पता ही नहीं तो कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना दो नंबरिया प्रश्न आता है, कितना तीन नंबरिया आता है, कितना पांच नंबरिया आता है, कितना सात नंबरिया आता है, बच्चे को पता ही नहीं होता, एग्जाम देने चल जाता है। अरे भैया आपको सही से पैटर्न के बारे में पता होनी चाहिए ना। पैटर्न के बारे में जिस विद्यार्थी को पता नहीं है वो जाएगा टॉपर की तैयारी करने, वो जाएगा टॉपर बनने, कभी नहीं। पहले अपने पैटर्न को समझिए कि कौन सा कितना नंबर का प्रश्न करता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है। आपको पता चल गया कि इस सब्जेक्ट से बहुत कम प्रश्न आते हैं तो उसमें कम टाइम देंगे। अगर आपको पता चल गया कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसका पूरा विस्तार से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि जो आपका विषय कमजोर है उस पर फोकस नहीं करिए। याद रखिएगा जो आपका कमजोर विषय है उस पर तो और आपको टाइम देने की आवश्यकता। अगर मैथ आपका कमजोर है तो मैथ पर फोकस करिए, एक घंटे दो घंटा का उस पर टाइम दीजिए, उसको बढ़िया करिए। किसी एक विषय में 100 नंबर उठा लेने से आप कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे। या देखिए कि वो टॉपर जो होता है ना, टॉपर आपके किसी जिला का, किसी प्रखंड का नहीं होता, वो पूरे बिहार का होता है। बिहार ही छोड़िए ना, उसकी चर्चा पूरे भारत में चलती है। तो बाबू जो कमजोर विषय है ना उस पर फोकस करना शुरू करो, सारे विषय को आपको टाइम देना है। और देखो सातवीं बात है रिविजन करें। मैंने बताया रिविजन के तीन चार फायदे होते हैं। रिविजन करिएगा जो चीज़ें आपको याद करना वो याद हो जाएगी, दूसरी राइटिंग सुधर जाएगी, तीसरी राइटिंग स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी, चौथी बात है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तो जितना हो सके रिवीजन करें। आप कोशिश करें कि 2 से 3 महीने पहले, एग्जाम के पहले आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, और उसके बाद 2-3 महीने आप एकदम धांसु रिवीजन करिए और देखिए आपको टॉपर बनने से कौन रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद आठवीं बात है, जब भी पढ़ाई करने बैठिए ना बाबू तो एकांत जगह में बैठ के आप पढ़िए। कई बार क्या होता है कि सामने टीवी चल रही होती है और हम लोग वहीं पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, अरे भैया किताब सामने खुला हुआ है, अब ध्यान है कि वो करिश्मा कपूर आई थी ना, रानी चटर्जी आई थी, अनिल मुखर्जी आई थी, बकलोल कह के तू पढ़ने बैठा तो रानी चटर्जी, रानी मुखर्जी, खेसारी लाल पवन सिंह को देख रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, फ्री फायर पर खेल रहा है। नहीं, आप जब भी पढ़ने बैठो एकांत में पढ़ने बैठो, शांति से, जहां शांत माहौल है, जहां पर तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वहां बैठकर आपको पढ़नी चाहिए। एकांत का मतलब शांत माहौल में आपको बैठ के पढ़नी चाहिए। 8 काम करना शुरू कर दीजिए और 2023 का टॉपर विद्यार्थी है। देखिएगा पहला अपने सिलेबस को समझना है, उस पर रिसर्च करना है, दूसरी बात आपकी स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का होनी चाहिए, तीसरी बात है पिछले सालों के कम से कम 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, चौथी पढ़ने का एक सही टाइम टेबल बनाना होगा, पांचवी उस रूटीन को, उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा और सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा और हमें एकांत जगह में पढ़ाई करना होगा। आज से अगर आप ये 8 काम करना शुरू कर देते हैं बाबू ना, तो गारंटी लिखवाइए कि आप अगले बार के टॉपर नहीं है। मतलब ये गारंटी में उसे लिखवाइए कि आप ही अगले बार के टॉपर बन जाएंगे। और कौन बोलेगा कि आप टॉपर नहीं है, टॉपर बनेंगे, क्योंकि ये ऐसी प्लानिंग है, इतना रिसर्च करने के बाद मैं प्लानिंग निकाला हूं ना जो आपको टॉपर बनाएगी ही। लेकिन ये कब बनाएगी, जब आप पढ़ेंगे, जब इसको फॉलो करेंगे, जब इसको अपने तरीके से अपना कर आगे बढ़ेंगे तब। या देखिए बातों पर आप गौर करिए और आपको क्या क्या सीख मिली मेरी इस वीडियो से, आप क्या टॉपर की तैयारी करने के लिए प्रेरित हो पाए हैं, मोटिवेटेड हो पाए कि नहीं, कमेंट करके बताइए। आपको लग रहा है कि हमारे वीडियो से आपको सीखे हैं, तो बाबू इस आवाज को, ये टॉपर बनने की आवाज को अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आप ही लोगों का काम है। जब मैं आपके लिए इतना चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो कम से कम आप लोग इतना तो काम कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे भी समझ सके, टॉपर की तैयारी कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।